दोस्तों दोस्तों विकास इकोटेक इस स्टॉक के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं इन्होंने अपने जो क्वार्टर वन के नंबर पेश किए वो अपने आप में बहुत ज्यादा फिनॉमिनल है जिसके कारण मैं अगर आपको दिखाऊं पाँच दिन का डेटा देखते हैं ये देखिए निचले स्तरों से उनतीस जुलाई से लेकर के ये देखिए अभी तक स्टॉक ऑलमोस्ट टेन और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वन मिनट इसको थोड़ा हम ऊपर कर लें हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली ये जो रैली ये इसीलिए आई है कि क्वार्टर वन में जिस प्रकार का जंप आया है नेट प्रॉफिट में वो अपने आप में बहुत ज्यादा है और इसके साथ ही साथ ही मैं बता दूं, जैसे ही ये क्वार्टर वन के नंबर से आए इतने ज्यादा सवाल इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर आने शुरू हुए कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ेगा ऐसा मुझे लगा और मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर के आऊ अब यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ कि अब जो एक फ़ेस वीडियोज़ रहते हैं और जो एक बहुत लंबे लंबे एनालिसिस वीडियो रहते हैं वो अभी हो नहीं पा रहे हैं इसीलिए मुझे लगा कि भले ही विदाउट फेस वीडियो लेकिन विकास इकोटेक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली मैं विकास इकोटेक में पोजीशन नहीं रखता हूं हाँ अगर आपको याद हो मैंने बिल्कुल इसमें कह जब खरीदारी की थी जब मैंने इसमें वीडियो बनाई थी तो मैंने इसमें एकुमुलेट किया था मैंने इसमें जो कह सकते हैं आप जो बाइंग की थी वो टू रुपी सिक्सटी पैसा में की थी और स्टॉक लगभग साढ़े चार रुपए के आसपास मैंने स्टॉक को सेल कर दिया था मैं हमेशा कहता हूं कि इस प्रकार के जो स्टॉक हैं इसे निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट करें खरीदारी करें और जब स्टॉक बहुत ऊपर जाए आप वहां पे या तो सेल कर दें या इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि भाई अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता भी है तो भी आप उस चीज़ को लेकर के तैयार रहेंगे और देखिए कंपनीज इतनी ज़्यादा छोटी रहती हैं कि इसमें वॉलिटिलिटी इसी प्रकार की रहती है तो यदि आप विकास इकोटेक में इन्वेस्टेड हैं निवेश की सोच रहे हैं ये एक छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों तो मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड जरूर करें अब आते हैं वापस अपने एनालिसिस की तरफ देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको तैंतीस दिख रहा है लेकिन आप जो निचले स्तरों से देखेंगे ना ये देखिए इसने एक समय जो जंप लगाई थी ऑलमोस्ट एट्टी फाइव परसेंट का रिटर्न दिया था और फाइव रुपीज कितना फाइव रुपीज एंड थर्टी पैसा इसका फिफ्टी टू भी खाई इसी के आसपास था और टू बी प्रसाइज अगर हम देखें तो फाइव रुपीज एंड सिक्स फाइव पैसा था ठीक है तो इतनी ज्यादा ऑलरेडी तेज दिखाने के बाद स्टॉक आपको एक बड़ी गिरावट दिखा रहा होगा ओके तो अब ऐसा क्या रिजल्ट आ गया है कि लोग इतने ज़्यादा खुश हैं तो देखिए सबसे पहले रिजल्ट की तरफ ही चलते हैं फिर अन्य चीज़ों में देखेंगे देखिए ये हैं इनके जून क्वार्टर के नंबर्स सेल्स 101 करोड़ रुपए इस बार सेल्स आए हैं और आप देखेंगे ये अब तक का ये देखिए 2013 से अभी तक जितने क्वार्टर नंबर देखेंगे अब तक का सबसे शानदार नंबर है सेल्स में ओके okay? और एक्सपेंसेस देखेंगे तो भाई ये उतनी ही बड़ी हुई है 99 करोड़ रुपए की एक्सपेंसेस आई है रीजन क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका दो करोड़ रुपया दो करोड़ होता है क्योंकि एक्सपेंस कारण और एक्सपेंस में सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है इसका भी मैं आपको जरा दिखाता हूँ ये देखिए सबसे बड़ा एक्सपेंस है दोस्तों इसका मटेरियल कॉस्ट जो इस बार नाइन्टी परसेंट रहा है जो हमेशा एटी सेवन एटी फोर एटी वन के आसपास रहता है तो ये नाइन्टी परसेंट रहा है हाँ एम्प्लॉय कॉस्ट एक परसेंट रहा है जिस कारण आपको यहाँ पे दो प्रतिशत की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही है अब माफ कीजिएगा दो प्रतिशत ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिप किया है क्योंकि भाई जब आप इतना भयानक आपका एम्ब्रॉयड एक्सपेंसिस रहेगा तो आपका जहाँ पे चार पाँच परसेंट रहता है ऑपरेटिंग मार्जिन मात्र ये रहता है हाँ गेम चेंजर कहाँ साबित हुआ वो हुआ अदर इनकम में जी हाँ जो ट्विस्ट है ना कहानी में वो यही है कि जो अदर इनकम आई है वो चौदह करोड़ रुपए की आई है जो पहले कभी नहीं रही है और ये चौदह करोड़ रुपये ही आपको ये जो लास्ट में नेट प्रॉफिट दिख रहा है दस करोड़ रुपये वो ये निकल के आए हैं इसीलिए मैं कहता हूं अभी और ये अदर इनकम क्या है वन मिनट आप देखेंगे वो है अदर इनकम नॉर्मल ओके वहां से आप देखेंगे तेरह दशमलव सात आठ करोड़ रुपए आया है तो ये इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जंप दिखा रही है और एट द एंड ऑफ द डे नेट प्रॉफिट कितना आता है दस करोड़ तो प्योरली ऑपरेशन फ्रंट पर देखेंगे तो सेल्स में नो डाउट जंप है लेकिन जो ये आप जैसे अदर इनकम के कारण आपको यहाँ पे दस करोड़ रुपए ओवरऑल देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट ये जंप है और यही कारण है कि जो एक जिस अगर इतनी शानदार आपकी रन अप आप, नॉर्मल नंबर्स पे आती यानी प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में आती तो आप देखिए स्टॉक अभी तक मुझे लगता है पाँच रुपये के आसपास तो पहुंच गया रहता लेकिन बाजार कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि चीज़ें इस प्रकार हैं लेकिन देखिए पिछले कुछ समय से मैं एक चीज़ से कंपनी ने अपने ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है जी हाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जरा हम ऊपर चलते हैं आप देखें स्टॉक की पी नो no डाउट बहुत ज्यादा भी हैवी दिख रही है लेकिन देखिए मात्र सात करोड़ रुपए का ये मार्केट कैप का स्टॉक है तो याद रखिए इस प्रकार के स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कीजिए क्योंकि जितना जल्दी ये ऊपर जाता है उतना जल्दी ही नीचे आता है और अगर बाजार में गिरावट शुरू हो जाती बहुत ज्यादा तो इस प्रकार के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरते हैं तो मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूँ भैया प्लीज प्लीज अगर इसमें निवेश कर रहे हैं अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह सला लीजिए एक बार नहीं हज़ार बार सोचिए कि क्या वाकई में मैं इस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर सकता हूँ ओके तो हाई और लो आप देखें तो भाई लो इसका दो रुपये अस्सी पैसा था हाई पाँच रुपये पैंसठ पैसा और ये लगभग उन्हीं के बीच के आसपास ट्रेड कर रहा है टू टाइम्स की बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा था तो वही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहे यहाँ पे आर ओ सी आर ओ सी देखें तो बहुत कह सकते हैं इंप्रेसिव नहीं है ठीक है नॉर्मल सी है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है दो दो दशमलव एक छः परसेंट की फ्लैच परसेंटेज भी है जी हाँ हाँ डेट टू इक्विटी ना के बराबर है और नो डाउट बहुत ही शानदार कैश रिजर्व है हम थोड़ी देर में देखेंगे ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिक्स परसेंट आसपास है पित्रोस की स्कोर फाइव है ना बहुत ज़्यादा ऊपर है ना बहुत ज़्यादा नीचे है ठीक है डेट मात्र उन्नीस दशमलव तीन करोड़ रुपए का है अब थोड़ा बहुत जानकारी जिनको चाहिए कि करती क्या देखिए ये हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में और देखिए अभी स्पेशलिटी केमिकल्स का जो समय चल रहा है ओवरऑल केमिकल्स का वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके बावजूद अगर आप देखें अगर ये कंपनी जो है इस प्रकार का काम कर रही है तो मैं इसे अच्छा कहूंगा कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहूँगा इट्स अ डिसेंट नंबर्स ओके और अगर हम नीचे चलें आप देखिए कंपनी का प्रोज भाई डेट रेड्यूस केयर ऑलमोस्ट डेट फ्री है और मुझे ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ओके okay? आप थोड़ा नीचे चलते हैं क्वार्टरली नंबर हमने देख ही लिया प्रॉफिट और लॉस अगर आप साल साल भर का देखेंगे आप देखेंगे जहाँ दो में बासठ करोड़ रुपीज का धंधा था आज दो में ये टू करोड़ रुपीस है 2023 में कंपनी ने बहुत ही शानदार 403 करोड़ का किया था लेकिन जो 2024 का पूरा साल था ना चाइना की डंपिंग और ओवरऑल जो प्रॉब्लम थी उसके कारण आपको इतना बड़ा डिप देखने को मिल रहा है ओके okay? तो याद रखिएगा जो पिछला साल था वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था अब आप देखें 238 करोड़ रुपीज का रिजर्व है और बोरविंग मात्र 19 करोड़ रुपए है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो स्टॉक है ना ये स्टॉक बहुत बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कैश रिजर्व ओके अब अगर मैं आगे चलूँ आप देखिए यहाँ पे कंपनी का जो डेबिटर डेज है यानी जो पेमेंट आ जाती है वो 108 दिनों के अंदर आ जाती है जो पहले 2023 में 128 दिन थी विच इज ग्रेट लेकिन देखिए आप यहाँ पे देखें प्रमोटर की होल्डिंग भाई सब ये टेन पॉइंट सिक्स परसेंट हो गई है यानी यहाँ पे गिरावट है बढ़ा किसका है ऑलमोस्ट पब्लिक वालों का बढ़ गया है यहाँ पे, और मैं इसीलिए कहता हूँ जब बाजार इस प्रकार ऊपर चल रहा हो ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के पोजिशन बनाई कि भाई हाँ नहीं मैं इसमें और पोजिशन बनाऊँगा या मैं इसमें और ख़रीदारी करूँगा क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊँ आप देखें यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगातार डाउन हुई मार्च 2024 में सिक्स पॉइंट एट बढ़ गई लेकिन फिर आपको यहाँ गिरावट देखने को मिली ओके और इतना ही नहीं अगर हम ट्रेड्स में देखें तो बल्क डील देखिए बल्क डील वो होती है दोस्तों जहाँ पर पाँच लाख शेयर या पाँच करोड़ रुपीज़ का ओवरऑल ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो जून में क्या हुआ ये देखिए बाइंग और सेलिंग हुई फिर तीस जून तीन जून को क्या हुआ फिर ये देखिए इस प्रकार की चीजें हुई तो ये जो विश्वास सर्विस है वो लगातार बेच खरीद रहे हैं बेच खरीद रहे हैं ओके तो यहाँ पर लगातार इस प्रकार की ट्रेड दिख रही है हाँ इन साइड ट्रेड में जाए तो भाई इन साइडर ट्रेड आप देखेंगे तो मार्च 2022 में ये हुई थी मार्च दो में जहां पे प्रमोटर और डायरेक्टर ने अपनी स्टेक सेल की थी 5.84 पॉइंट में क्योंकि ये इतना अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करा था और लाइफ टाइम नहीं कहना चाहिए फिफ्टी टू वीक हाई के आसपास वहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया विकास लाइफ केयर किया जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने यहाँ पे एवरेज सेलिंग की थी ठीक है तो देखिए सेलिंग तो हो रही है और इसीलिए मैं कहता हूँ जब गिरावट हो यहाँ पर उस समय पोजिशंस बनानी चाहिए हमें ना कि जब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की तेजी हो वहाँ पर कोई नई बाइंग करनी चाहिए हाँ फोर रुपीज़ के ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अगर आप यहाँ पोजीशन बना रहे हैं बहुत सोच समझ के बनाएं क्योंकि जो चार रुपये का लेवल है ये अब एक ऐसा सपोर्ट बन सकता है आने वाले समय के लिए कि अगर वापस से अब ये टूटेगा तो फिर एक लंबे समय तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और आग में घी डालने का काम करेगा दोस्तों वो क्या है वो है बाज़ार में अगर कोई बड़ा क्रैश आता है तो क्योंकि आपको पता है बाज़ार ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही हैं चीज़ें और बहुत सारे चाहे एनालिस्ट कह लें या जो भी बातें चल रही हैं जो बड़े दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं शायद जो सेप्टेंबर है ना दोस्तों सेप्टेंबर यहाँ के आसपास आपको एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिले तो अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि जो गिरावट है वो और ज्यादा सीवियर होते हुए आपको दिखाई दे सकती है बट मुझे पर्सनली लगता है कि विकास इकोटेक जैसे स्टॉक्स में अगर आप फ्रेश इस प्रकार की तेजी के ऊपर ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए अगर आप टू रुपीज़ आप जैसे हैं एटी पैसा तीन रुपए के आसपास इस पर निवेशित हैं और आप सोच रहे नहीं भाई मैं इन ये उन स्टॉक्स में मेरे पोर्टफोलियो की, जहाँ पे अगर कैपिटल ज़ीरो भी हो जाता है एक अल्ट्रा हाई रिस्क स्टॉक है तो मुझे लगता है आपको इसमें बने रहने की सोचनी चाहिए अन्यथा ये जो तेज़ी है यहाँ प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं और मैं जब ऐसा कहता हूँ दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो जब ख़र्जावट जब बाइंग की थी आप साथ मैंने चर्चा की थी और ऑलरेडी जब एक बहुत तेज़ी आई थी वहाँ से मैं निकल चुका था क्योंकि बाज़ार में अनस्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही थी ठीक है तो आप यहाँ तक जुड़े रहे अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ये सूर्यकांत है जय हिंद